पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली में बवाल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। चुनाव आयोग ने अब 9 लोकसभा सीटों के चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया। ऐसे में दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जादवपुर और साथ ही डायमंड और हॉर्बर, दक्षिण और उत्तरी कोलकाता में गुरुवार रात को 10 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। वही चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद भाजपा और टीएमसी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए। उन्होंने शुक्रवार को होने वाली रैलियों को गुरुवार को करने का फैसला लिया। ममता बनर्जी आज मथुरापुर और साथ ही डायमंड हॉर्बर में रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद कोलकाता के जोका और सुकांता सेतु में पदयात्रा करेंगी। वहीं ममता बनर्जी को घेरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी अब अपने आखिरी दांव खेल चुके हैं। वे बंगाल के मथुरापुर और दमदम में जनसभा को आज संबोधित करते नजर आएंगे।